हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक फोटो निकलकर सामने आई है रफाल की। तो जैसा कि हम जानते हैं, रफाल के स्कीजम ट्रायल चल रहे हैं शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से, जो कि गोवा में है। और यहां पर रफाल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा रहा है स्कीजम कॉन्फ़िगरेशन में। तो ऑफिशियली एक भी फोटो जो है वो बाहर नहीं आई है। एक फोटो शेयर करी गई है ट्विटर यूजर डिस्ट्रॉयर के हैंडल से, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर इतनी क्लियर ज़रूर है कि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर सकें। तो यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है वो अपने पूरे कॉम्बैट लोड के साथ दिखाई दे रहा है। एक एंटीशिप मिसाइल एग्जोसेट जो है वो बेली में लगी है, बाकी दो सबसोनिक 2000 लीटर्स के ड्रॉप टैंक्स लगे हुए हैं और चार एयर टू एयर मिसाइल्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ पहले भी रफाल को देखा गया है और एंटीशिप मिसाइल एग्जोसेट के साथ आपको ये इसी कॉन्फ़िगरेशन में नज़र आएगा, चाहे इसको कैटोबार कैरियर चार्ल्स डे गोल से ही क्यों ना लॉन्च किया जाए। तो क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियली कुछ नहीं है, तो ये हम नहीं जान सकते कि कितने डिस्टेंस से रन करके इसने टेक ऑफ किया है इतने पेलोड के साथ। लेकिन अगर ये मान के चलें कि जो गिवन पैरामीटर्स हैं उसी के अंदर इसने इतने पेलोड के साथ टेक ऑफ किया है, तो ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। क्योंकि यहाँ से ये चीज़ पक्की हो जाती है कि आपको एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से इसे ऑपरेट करेंगे। दूसरी चीज़, ये बात सही है कि जो कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आपको बहुत कम डिस्टेंस में अच्छी खासी स्पीड दे देता है, जिसकी वजह से आप अच्छा खासा पेलोड कैरी करके टेक ऑफ कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में, जो कि पेट्रोलिंग की होती है, कॉम्बैट की नहीं होती है, आपको उसी पेलोड के साथ दोबारा से लैंड भी करना होता है, जिसमें खाली आपका फ्यूल ही कंज्यूम होगा, तो लैंडिंग गियर पर भी दबाव आता है, तो आप बहुत ज़्यादा पेलोड कैरी करके टेक ऑफ करके दोबारा लैंड नहीं कर सकते। इसलिए रफाल का जो एयरफोर्स वाला वर्जन है वो मरीन वर्जन के कंपैरिजन में ज़्यादा पेलोड कैरी करने में सक्षम है, क्योंकि वहाँ पर आपको लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक बड़ा रनवे मिल जाता है। तो फोटो को देखने से हमको यहाँ पर ऐसा लगता है कि चार एयर टू एयर मिसाइल हैं, जिसमें दो मीका ईएम हो सकती हैं और दो मीका आईआर हो सकती हैं। बाकी मिसाइलें यहाँ छः भी हो सकती हैं। फ्यूसलाज में दो और मीटियोर मिसाइल हो सकती हैं, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन पहले देखी गई है, पर क्योंकि यहाँ पर फोटो बहुत क्लियर नहीं है तो इसका दावा हम नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर 2000 लीटर के सबसोनिक ड्रॉप टैंक लगे हुए हैं, तो कॉमेट रेंज इनसे आपको करीबन 1200 किलोमीटर के अराउंड की मिल जाएगी। यहाँ पर हम कॉमेट रेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि आना और जाना, यानी कि एक एंटीशिप मिसाइल के साथ और एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप इतना डिस्टेंस जो है कॉमेट का कवर कर सकते हैं। साथ में रफाल सुपर क्रूज कर सकता है, तो ये फ्यूल एफिशिएंट भी काफ़ी है। तो इस एयरक्राफ्ट से डेफिनेटली मिक्रोटी 9K के कंपैरिजन में जो कॉम्बैट रेंज है एयरक्राफ्ट कैरियर की, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाकी ये जो AM-39 एग्जोसेट एंटीशिप मिसाइल है, ये अराउंड 800 किलोग्राम की मिसाइल है, जो कि 70 किलोमीटर के डिस्टेंस तक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो ये मिसाइल सी स्किमिंग करने में सक्षम है, साथ में हायर सबसोनिक स्पीड पर फ्लाई करती है, और गाइडेंस के लिए ये एक्टिव रडार होमिंग के साथ साथ जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड मिसाइल है। इसका सिंगल शॉट डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और सी स्किमिंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी बेहतरीन है, जिसकी वजह से इसको इंटरसेप्ट कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो डेफिनेटली अगर डसॉ यहाँ पर इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, एयरक्राफ्ट के ट्रायल कर रहा है, तो इसको फिट करने का भी कोई तरीका यहाँ पर देख लिया गया होगा। लेकिन इसके विंग्स ना फोल्ड हो पाना अभी भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है विक्रांत जैसे छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, क्योंकि MiG-29K के कंपैरिजन में यहाँ पर जो विंग स्पैन है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अगर कई सारे एयरक्राफ्ट लाइन से खड़े किए जाते हैं, तो ये जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ये एडअप होकर बड़ा हो जाएगा, और कुछ एयरक्राफ्ट का स्पेस जो है ये डेफिनेटली कम करेगा। तो MiG-29K के कंपैरिजन में अगर इनको लिया जाता है, तो टोटल जो एयरक्राफ्ट INS विक्रांत कैरी कर पाएगा उसके नंबर में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि फोल्डेड विंग स्पैन 7 मीटर और 11 मीटर, करीबन 4 मीटर का डिफरेंस हो जाता है। बाकी इसके कंपैरिजन में F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 कैसा परफॉर्म करता है, ये मार्च में होने वाले टेस्ट के बाद ही पता लग पाएगा। तो एयरक्राफ्ट वो भी काफ़ी डिसेंट है, भले ही फिलहाल के लिए रफाल हमें इम्प्रेस कर रहा हो, पर बहुत जल्दी डिसीजन लेना और किसी एक एयरक्राफ्ट को बेटर बताना ये समझदारी नहीं होगी। आई होप चीज़ें क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।